ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीसरी बात दिव्य पुरुषार्थ के लिए जो मन में आती है वो ये है कि कई बार ऐसा है कि आजकल देखो सेवाओं की व्यस्तता बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन सेवाओं की व्यस्तता के साथ साथ बाबा ने कभी भी अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। बाबा क्या करते थे, गरम गरम हलवा बनाने के लिए क्या करते थे, सवेरे 2 बजे। आजकल तो साइंस भी इस बात को प्रूव करने लगी है कि अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं और रात को 10 बजे तक सो जाते हैं तो आप जो है 4-5 घंटे में अपने नींद को अच्छी रीति से पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं हैं। क्योंकि बॉडी को आराम चाहिए, मशीन को कितना आराम चाहिए। किसी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हम मशीन को कितना रेस्ट देते हैं, उसकी ऑयलिंग हो गई फटाफट उसको रेस्ट दिया, ऑयलिंग हो गई उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा शरीर भी क्या है, शरीर भी हमारा क्या है, एक मशीन ही तो है ना। तो मशीन की रीति से हमें इसे इस्तेमाल करना, जब चाहे हम सो जाएं, जब चाहे हम उठ जाएं। अपनी बीमारियों को भी हम अपना सहयोगी बना लें। जानकी दादी जी की खासियत क्या, दादी जी क्या करते हैं, दादी जी कहूँ करते हैं किसी की बात को अपने, बहुत क्लोज इंटरेक्शन जब दादी जी से होता है तो दादी यही कहती कि बस मेरे मन में एक बाबा ही बसा है और कुछ नहीं बसा है। एक बार अभी थोड़े टाइम पहले जब दादी गुलजार जी जब मधुबन में थे तो हम उनसे मिलने के लिए गए, तो मैंने दादी को बोला दादी आपने मुझे पहचाना, कहती हाँ क्यों नहीं पहचाना, तुम मुरली हो, तुम दिल्ली से हो। तो मैंने कहा दादी आपको तो दिल्ली भूल गई है, आप तो आते ही समय हो गया। वो देख करके मुस्कुरा दी और बड़े डिटैच, एकदम डिटैच, और डिटैच होकर के फिर दादी ने उसके बाद का वो अपने ही जो उनके यहाँ कमरा है ना विजिटर्स रूम, उसमें दादी सबसे मिलती है, तो वहाँ पर टहल रही थी वो। तो मैंने टहलते टहलते हम भी दादी के पास खड़े हो गए, तो दादी ने फिर एक बात बोली और इतनी पते की बात बोली कि मैं उस पर बार पूछती रही कि दादी ने कितना बड़ा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मुझे दे दिया आगे बढ़ने के लिए। तो दादी ने उस समय बोला कि कहीं भी आप 1 सेकंड रुको ना, तो आप अपने मन को चेक करो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। ये नहीं पूछा दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में कैसे हैं, तुम्हारा सेंटर कैसा है, भाई बहन कैसे हैं, मेरी सबको याद देना। ये बाबा बताते हैं दिव्य पुरुषार्थ का अंतिम स्थिति का लक्षण है। हर चीज़ से उपरांत नेचुरली बड़े हैं तो उनकी याद और ब्लेसिंग तो सबके प्रति है ही है, लेकिन वो हमें मैसेज क्या दे रहे हैं। तो वो मैसेज इतना पावरफुल था दादी का, जिसको मैं लेकर के बहुत दिन तक सोचती रही कि दादी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जब भी कहीं 1 सेकंड भी रुको तो आप रुक करके अपने आप को चेक करो कि हमारे भीतर में क्या चल रहा है।